ओम शांति। आज 24 नवंबर 2017। प्यारे बाबा के वे मधुर महावाक्य जिनको हमने अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना, आइए उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर जो सबसे बड़ी देन देते हैं, प्राप्ति देते हैं, वो है दिल की खुशी। खुशी सारे कल्प में केवल संगम युग पर हम बच्चों को मिलती है। बाबा कहते, जब तुम्हें बाबा मिला, परिवार मिला, जीवन का लक्ष्य मिला, तुम्हारे अंदर खुशी की शहनाइयाँ बजनी चाहिए। अवश्य आज सारा दिन आपने जो मुरली सुनी, उसके बाद आपके मन के अंदर खुशी की शहनाइयाँ अवश्य बजी होंगी। रिवाइज करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए किया है। ऐसा है कि जो शहनाई बजती है वो हमेशा खुशी के मौके पर ही बजती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा साकार माध्यम में ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर, और बाबा कहते हैं साकार में ब्रह्मा बाबा का हाथ लिया और अब बुद्धि रूपी हाथ जो है वो मेरे साथ मेरे हाथ में दे दो, अर्थात अपनी बुद्धि को बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ, श्रीमत लेते रहो। तो तुम्हें बाबा कहते हैं कि मैं उस दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ अच्छे दिन होंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है अभी नीचे सीढ़ी उतर रही है, और जब सीढ़ी उतरती है तो जैसे कोई चीज़ पुरानी से और पुरानी होती जाती है, इसमें तो दुख बढ़ ही रहा है, लेकिन बहुत जल्दी बाबा कहते हैं मैं आपको उस दुनिया में ले जा रहा हूँ जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होगा और सुख भी अपनी चरम सीमा पर होगा, सतयुग होगा। इसलिए ऐसी खुशी जो कि जिसको मिल जाए तो उसके अंदर तो शहनाइयाँ हर वक्त बजनी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाना ये केवल बाबा का ही काम है, और बाबा आकर के कोई नई दुनिया सेपरेटली क्रिएट नहीं करते हैं। बाबा एक शब्द यूज़ करते हैं, कलम लगाता हूँ। तो कलम लगाना, बाबा कहते, जब लगाता हूँ तो एक अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नए झाड़ का कलम लग रहा है। इसलिए प्रश्न पूछा गया, कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है, क्योंकि तूफान बहुत लगते हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएं भी कोमल पत्तों को खाती हैं। बाबा कहते, ऐसे तूफान आते हैं जो फल फूल गिर जाते हैं, माया संशय बुद्धि बना देती है, बाप की याद नहीं होगी तो मुरझाइश आ जाती, गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, स्वयं को बचाने के लिए मुख में मोलरा डाल दो, बुद्धि से बाबा को याद करो, यह है मेहनत। यानी बाबा ये कह रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये सृष्टि चक्र अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं, और ये आत्माओं का जैसे कहा जाता है पाठ करने के लिए स्टेज है, विश्व रूपी नाटक जो है सृष्टि पर ही चलता है, आत्माएं शरीर धारण करती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब मुझे रचयिता कहते हैं तो ऐसे नहीं कि मैं नई दुनिया क्रिएट कर देता हूँ, इसी दुनिया को ठीक करता हूँ। और उसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे कि वृक्ष जो होता है फल फूल सब देकर बाद में पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, उस समय नए वृक्ष की बाबा कहते हैं मैं इसमें कलम लगाता हूँ। ऐसे भी नहीं कि पुराना वृक्ष बिल्कुल ख़त्म हो के ख़त्म हो जाएगा, मैं दोबारा से करूँगा उसी पुराने में, जैसे कई जगह ग्राफ्टिंग करते हैं ना, खट्टे पेड़ में ग्राफ्टिंग करके उसमें मीठा फल लगा देते हैं, तो बाबा कहते हैं वो मैं लगाता हूँ तो जो पुराने वाला वो सूख जाता है और नए वाला जो है मीठे वाला है सुख देने वाला है वो फलीभूत होता है। लेकिन
हमेशा आप देखेंगे कई फलदार पेड़ फल फूल लगे हुए हैं, अचानक बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आता है और आके सब उसका तहस नहस हो जाता है, सारे फल गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, टोटल नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से जब छोटे छोटे नए पत्ते निकलते हैं तो उसके चिड़ियाँ भी खाती हैं। तो बाबा कहते हैं नई नई आत्माएं जब तुम ज्ञान में आते हो, कोमल होते हो, तो माया के लिए आसान होता है आपको भ्रमित करना। और दूसरे माया के ही तूफान कहते हैं तो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर माया संशय के ज़ोरदार तूफान लाती है, तो उससे सावधान रहना। इसी बात को बाबा ने मुरली शुरू करते हुए कंटिन्यू किया है। बाबा कहते सृष्टि यही होती है, इसको मैं आकर के पतित से पावन बनाता हूँ, क्योंकि तुम मुझे पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। फिर बाबा ने दूसरी बात जो ध्यान पर दी कि ये ज्ञान मनुष्य आत्माओं के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। बाकी बाबा कहते हैं इसमें जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए, दे के धर्म आदि, उस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाते हैं। यानी बाबा ने मूल रूप से ये कहा है, हम भक्ति में भी पुकारते रहे पतित पावन आओ, कि मूल कारण दुखों का पतितपना है। पतित कहते हैं जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह विकार हो। बाबा कहते हैं मेरा तरीका ये है, पुरानी दुनिया को नया बनाना या दुख की दुनिया को सुखी बनाना, पतितों को पावन करना, उनसे विकारों उनको विकारों से मुक्त करना। ऑब्वियसली ये ज्ञान जो है मनुष्यों के लिए, मनुष्य ही पतित पावन की बात करते हैं। जब मनुष्य पतित हो जाते हैं हर चीज़ तमोप्रधान हो जाती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा देह है, शरीर है, शरीर के संबंध हैं, दुनिया की वस्तुएं हैं, ये सब जैसे जिनके अंदर से ताकत निकल जाए, सार निकल जाए, तमोगुण आ जाए, जैसे किसी खूबसूरत फल में भी कीड़ा लग जाए वर्थलेस हो जाता है, या किसी कंप्यूटर में वायरस आ जाए, उसी प्रकार की ये दुनिया है। तो बाबा ने बताया कि मैं पुरानी दुनिया को नया किस तरह से बनाता हूँ, कि मनुष्यों में से ही कलम लगाते हैं ना, तो कुछ को लेकर और उनको चेंज करके, उनको ज्ञान देकर उनकी कलम लगा देता हूँ, ताकि वो देवता रूप के धारण कर लें, पवित्र बने, तो सारा नया पेड़ दैवी दुनिया बन जाता है। ये जो बाबा ने शब्द आज यूज़ किए हैं, जो दुख की सामग्री है, दे के धर्म, यानी जो भी दुनिया की चीजें आज वो दुख की दुख तो हर चीज बाबा सुख की बनाते हैं, हर चीज दुख से दुख मिल रहा है ना। तो बाबा ने सार में बता दिया कि मैं पावन बना के उसमें से वायरस निकाल देता हूँ, तो शरीर भी देवताओं के सुख देने लग जाते हैं, शरीर के हर वस्तु सुखदायी हो जाती है। तो सार में यही बताया है, दुख की सामग्री मैंने हर चीज़ यहाँ दुख देने वाली है, वहाँ हर चीज़ सुख देने वाली, वस्तु में तो कोई नुकसान की चीज़ नहीं है ना, उनके अंदर जो तमो प्रधानता आ गई है वो निकालता बाबा। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ड्रामा को भी याद करना ज़रूरी है, ये सृष्टि बेहद का ड्रामा है, और तुमको बाबा को याद करना एक सेकंड की ये बात है, मुश्किल नहीं है, ये एक सेकंड का काम है, बाबा ने कहा, और एक सेकंड में सारा ड्रामा बुद्धि में घूम जाता है। बाबा कहते तुम जानते हो कि कैसे चारों युगों से हम भी गुजरते हैं, कैसे चारों युगों में भिन्न भिन्न धर्म आते हैं, और तुम ये भी जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का रोल क्या है, सूक्ष्म वतन का रोल क्या है, और कैसे आकर के अब श्री बाबा हमको वापस ले चलते हैं। बाबा कहते सब बातें एक सेकंड की हैं। यानी कोई भी नाटक आपने देखा हुआ या कोई भी स्थान आपने देखा हुआ हो तो एक सेकंड में उसकी मेमोरी तो आ जाती है ना। कितना भी बड़ा नाटक हो, आप सोचते हैं रामायण या रामलीला, तो आपके मन में कहते ही सारी कथा दिमाग में आ जाती है ना। फिर बाबा ने इसको शॉर्ट में रिपीट भी किया है कि ये नाटक क्या है, कि ये चार युगों से घूमता है और साथ साथ तुम आत्मा भी घूमती हो। फिर बाबा ने कहा अन्य धर्म बाद में आते हैं, जैसे वृक्ष वृद्धि को पाता है, एक से शुरू होता है ना,
हर एक का सम्मत भी है, पहले देवी देवता हुए, फिर इस्लाम हुआ, फिर बुद्ध हुआ, फिर क्रिश्चियन हुए, फिर ऐसे बढ़ता गया। वो भी बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। सूक्ष्म लोक की बात करो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरियाँ हैं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान एक सेकंड में वो भी सामने आ जाती है। एक तरीके से स्मृति एक सेकंड में आ सकती है, इसलिए तुम्हें ड्रामा की भी स्मृति रखनी चाहिए कि कैसे अब हम सीढ़ी नीचे उतरे हैं, अब हमने सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है। तो स्मृति से ही तो संस्कार बदलेंगे ना। बाबा ने कहा कि जो तुमने इतना समय पढ़ा सुना, अब तुम उसको सबको भूल जाओ। जैसे मनुष्य जब शरीर छोड़ने लगता है तो सब कुछ भूल जाता है, यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो। अगर नया जन्म है तो पिछले को भुलाना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते जो बातें मैं तुम्हें नई दुनिया की सुनाता हूँ उन्हें ही याद करो। अमर लोक तुम चल रहे हो, अमर कथा सुना रहा हूँ, तो अमर कथा सुनते हुए अमर लोक की स्मृति रखो। यानी जिस तरह पीठ कर ली, जिसका बाबा ने ज्ञान दे दिया कि ये दुख की दुनिया है, इसके सारे बंधन दुख के हैं, तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझ है, सारी बात बता दी। अब बाबा कहते उसको टोटली भूलकर, कोई व्यक्ति ने किसी के ऊपर उधार चढ़ा हुआ है या उसने पीछे कोई भूल कर ली है, उसी को बार बार याद करता रहेगा तो विल पावर घटेगी ना। उसको उपाय करना चाहिए कि उसमें ओवरकम कैसे करूं। तब बाबा कहते जो तुम्हें नया ज्ञान दे रहा हूं, हैं, जिससे तुम नई दुनिया में जाओगे, उसकी स्मृति रखो, प्राणी को पक्का भूल जाओ। जैसे मरते समय अब किसी व्यक्ति का शरीर छूट रहा है, अब उसको कोई पुरानी बातें को याद रहती, कोई कहे तेरी कार कहाँ पड़ी है, तेरा भाई कहाँ है, उसका बिल्कुल वो उपराम होता है। इसी प्रकार से तुम भी अभी मरा नहीं है, इसी प्रकार से तुम भी जीते जी मरते हो, जिसको मर जीवा जन्म कहते हैं भक्ति मार्ग में, तो उसका और अर्थ लेते हैं। यानी पुरानी दुनिया को भूल कर तुम नई की तैयारी करते हो, तो तुम्हें फिर अगले का ही ध्यान रखना चाहिए। बाबा ने ज्ञान सागर, जानी जाननहार और थॉट रीडर, ये तीन शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि मैं ज्ञान सागर तो हूँ, जानी जाननहार भी है बाबा, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कोई तुम्हारे थॉट्स को बैठ के रीड नहीं करता हूँ। कर तो सकता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझ उससे प्राप्ति क्या। लोग रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते चाहे जो मर्जी कर लो, उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं है। वो आमतौर पर रिद्धि सिद्धि दुख देने के लिए करते हैं, किसी से बदला लेना हो, कुछ करना हो, ये जल्दी से कुछ प्राप्ति करनी हो। बाबा कहते उसका कोई फायदा नहीं है, और परमात्मा परम पिता है, तो परम पिता का जो रोल है वही करेगा ना। अब किसी डॉक्टर ने किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना है तो हार्ट के बारे में उसकी सारी बात करेगा ना, उसकी खानदान की हिस्ट्री थोड़ी पूछेगा कि तेरे दादाजी कौन है, फलाना कौन है। तो बाबा कहते हैं मैं तो पतित से पावन बनाने आया हूँ, वैसे मुझे सारा ज्ञान है, लेकिन एक एक का बैठ के मैं, क्योंकि सबके खराब ही संस्कार हैं इस समय, उसको सुनूंगा भी तो क्या होगा, इसलिए मैं बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट बात है वो तुमको बताता हूँ, वही तुम्हारी सुनता हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि ये जो करते हैं कि भाई आग से पार होना आदि, बाबा कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं है। और लोग कह देते हैं शास्त्र तो अनादि है। बाबा कहते हैं अनादि भी कब से, आखिर कोई तो तारीख होगी। तो बाबा ने कहा कि ये सारे राज झाड़ के वो मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। तुम वर्णन कर सकते हो इस वृक्ष का फाउंडेशन क्या है, कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है, पहले देवी देवता धर्म था, फिर कैसे अन्य धर्म आए, ये सब तुम झाड़ के चित्र से स्पष्ट कर सकते हो। बाबा कहते हैं ये जो आजकल कई साधु वगैरह कई और लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अननेचुरल एक्टिविटी करने का अभ्यास करते हैं, जैसे बाबा ने कहा आग से पार होना, आग के ऊपर चलना, कोई पानी के ऊपर चलने की करके दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा उन्होंने सुना है कि सीता ने अग्नि परीक्षा पार की थी, इसलिए वो आग पे चल के दिखाते हैं। तो ये जो शास्त्रों में बातें लिखी हुई हैं, कई प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, इस तरह तो रावण के 10 सिर थे। बाबा कहता है कि ऐसी बातें तो इनके पढ़ने से तुम्हारे कुछ होगा नहीं,
लेकिन वो कहते हैं उनके आधार ही शास्त्र हैं, तो शास्त्र तो अनादि हैं। बाबा कहते हैं अनादि का भी कोई ड्यूरेशन होता है, 5,000 साल का सृष्टि चक्कर अनादि है, बार बार चलता है, लेकिन ड्यूरेशन तो है ना कि 5,000 साल के बाद रिपीट होता है। एक घड़ी होती है उसका भी ड्यूरेशन होता है कि 12 बजे के बाद वो रिपीट करती है। इसलिए बाबा कहता है कि उन शास्त्रों का ज्ञान में कुछ ज्ञान तो है नहीं, वृक्ष कैसे पैदा हुआ, कैसे बढ़ा, उसमें कैसे कैसे पॉपुलेशन बढ़ी, कैसे कैसे अन्य अन्य धर्म आए, ये तो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ क्योंकि मैं उसका बीज रूप हूँ। इसलिए भगवान बता रहा है कि तुमको सब बताया, तुम लोग दूसरों को बता सकते हो कि कैसे कैसे बढ़ता है, फिर कैसे परिवर्तन होता है। बाबा ने बताया कि मैं हूँ ज्ञान सागर बीज रूप और मैं बीज ऊपर रहता हूँ, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जो है वो ऊपर है और मैं बीज रूप भी ऊपर हूँ, जिसे ब्रह्मांड ब्रह्मलोक भी कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि वहाँ पर सब आत्माएं भी निवास करती हैं बिंदु रूप में और फिर इस धरती पर आती हैं अपने 84 जन्मों का पार्ट प्ले करने के लिए। यानी दुनिया के वृक्ष जो होते हैं बोटेनिकल, उनका बीज नीचे होता, ऊपर को उगते हैं। ये परम धाम जो है ही ऊपर, इसको उल्टा वृक्ष भी कहते हैं। सृष्टि कहा गया है ये उल्टे वृक्ष के समान है। भाव उसका ये है कि सबसे ऊपर तो परमात्मा है, बीज रूप है, ऊंचे से ऊंचा का। उसके बाद जिस जिस धर्म की आत्माएं नीचे आती हैं वो नंबर वाइज परमात्मा के समीप हैं। हर एक आत्मा धरती पर आके जैसे बीज उगता है धरती के द्वारा, अपना पाठ शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं। परमात्मा कहते हैं मैं भी परम धाम में बीज रूप में हूँ, आप आत्मा भी बीज रूप में हो, मैं भी जब धरती पर आऊँ तब तो पाठ बजाऊँ क्योंकि तुम शरीरधारी हो। कहते हैं तुम मात पिता, तो निराकार रूप में तो मात पिता का पाठ भी नहीं बजा सकता ना, इसलिए वो कहते हैं मैं भी उसी तुम्हारी तरह ही अपने समय पर आके विश्व को परिवर्तित करता हूँ। ये एक अचरज सी बात है, बाबा कहते हैं तुम बाबा के बनते हो तो माया भी तुम्हारा सामना करना शुरू कर देती है। बाबा के पास अपनी रूह का इलाज कराने आते हो तो शारीरिक रूप से बुखार आदि भी आना शुरू हो जाता है, तो पहले कभी नहीं हुआ था अभी आना शुरू हो गया। तो बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारे हिसाब किताब हैं जो चुकतू होते हैं, जितना जितना ज्ञान अंदर जाता जाता है उतने उतने हिसाब किताब भी चुकतू होने का दौर आरंभ होता है। ऐसा है ना कि कई हकीम लोग भी ऐसे बताते हैं कि ये जब ये मेरी दवाई खाओगे तो पहले तुम्हारी बीमारी उभरेगी, इस दवाई का असर होगा फिर वो ख़त्म होगी। दुनिया के अंदर भी है, एक व्यक्ति मान लो उधार लेकर गाड़ी चला रहा है, वो तो उधार लेता जाएगा अच्छा, लेकिन मान लो उसको पे करना चाहे तो कुछ कमाई उसकी हो जाए तो सब लेनदार आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति विकर्मों का हिसाब चढ़ाए जा रहे हैं उनका तो नेगेटिव खाता बढ़ रहा है, इसलिए दुनिया नीचे जा रही है, दुख बढ़ रहा है। लेकिन जो आत्माएं उस दुनिया अपना रिवर्स में चलें कि अब हमने ऊपर चढ़ना है, सतो प्रधान बनना है, तो जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं वो क्लैश करेंगे कि नहीं। इसी को तो धर्म युद्ध कहा गया है कि बुद्धि के अंदर अच्छाई और बुराई की आपस में टकराव होता है। तो जब कोई चैलेंज करेगा, युद्ध के मैदान में उतरेगा, तभी तो टकराव होगा ना। लोग तमाशा देख रहे हैं, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति पहलवान लड़ रहे हैं, वो तो तमाशा ही देख रहे हैं। अगर वो रिंग में आएंगे तभी तो युद्ध शुरू होगा कि नहीं। बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारे को ये जब तुम चैलेंज करते हो, नया रास्ता अपनाते हो, तो पुराने वाले आपसे फाइट करते हैं, लेकिन जीत किसकी होगी, जीत तो तुम्हारी होगी ना। बाबा ने कहा कि तुम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हो, क्योंकि बाबा का राज्य देने का तरीका दूसरा है। दुनिया में तो क्या होता है कि आपस में सेनाएं लड़ कर के राज्य जीतती थी। अब बाबा कहता है कि तुम्हारा तो सिंपल है, अपने ऊपर राज्य करो, 100 राज्य अधिकारी बनो, अपनी इंद्रियों को जीतो, ऑटोमेटिकली तुम विश्व को जीत जाओगे।
इंद्र मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहा जाता है ना, मन जीते जगत जीत भी कहा जाता है। तो बाबा का प्रोसेस तो सिंपल है, अपने आप को प्योरीफाई करते जाओगे, प्रकृति तुम्हारी दासी होती जाएगी। इस प्रकार से तो बाबा कलयुग से सतयुग बनाता ना, देवताओं की लड़ाई थोड़ी लड़ते हैं सतयुग लेने के लिए। माया जीते जगत जीत, मन को जीतने की बात नहीं है, मन तो शांत शांति धाम में रहता है, यहाँ शरीर है तो शांत रह ना सके, शांति धाम है परम धाम। ये भी बाबा कहते हैं समझने की बात है, मन जीते जगत जीत नहीं है, मन तो सदा ही रहता है, सतयुग में भी मन होता है देवताओं, मन के अंदर जो माया आ जाती है पांच उसको विकार, जीतना है। उसको जीतना है। क्योंकि मन जो है वो तो जिस जिस जगह तो आप होंगे उसी तरह का बिहेव करेगा। जब आत्मा परम धाम में है तो मन डेड साइलेंस में है, वहाँ एक्टिविटी नहीं। सतयुग में है तो मन सुमन है, सुख दे रहा है, कलयुग में है तो वही मन दुख दे रहा है। इसलिए मन के अंदर जो क्वालिटेटिव चेंज आता है उसके अनुसार ही होता है ना। तो दुख जो आता है वो विकारों से आता है, माया से, बाबा ने समझाया। लोगों ने मन को जीतना क्यों कहा? इसलिए कि वो सब जानते हैं कि जो मन होता है वही बाकी चीज़ों को चलाता है। अब आपके शरीर को कौन चलाता है? हम यहाँ बैठे हैं, कौन कहेगा कि अब स्टूडियो का काम पूरा हो गया, अब यहाँ से जाइए? मन ही कहेगा ना, उसको पता है अब मुझे आगे की एक्टिविटी करनी है। आपके पास पैसा है, उसको कौन खर्च करवाता है, किस तरह कराता है? मन कराता है। कोई पैसा जुए में लगा देता है, शराब पी लेता है, कोई उसको बचा के अपने परिवार की पालना करता है। आँखों ने देखना है, क्या आँखें तो एक इंद्री है, कौन उसको कहता है ये देख वो देख? अच्छा देखने वाले भी हैं तो मन ही सब कुछ कर रहा है ना। इसलिए बेसिक बात, मन में अगर डिफेक्ट आ जाए सारे रिसोर्स गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको रोज़ मुरली सुननी है, सेंटर पर गए ताज़ी ताज़ी मुरली सुनो और फिर जाओ अपने धंधे के ऊपर, तो उसमें बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर बॉडी कॉन्शियस तरीके से चल रहे हैं और बॉडी कॉन्शियस तरीके से शरीर को मैं मानते हैं, तो सारे काम उनके शरीर के सब प्रति होते हैं, शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। ये हम ज्ञान आध्यात्मिक है कि तुम अपने को आत्मा मानो तो फर्क पड़ जाएगा ना। तो आत्मा का और शरीर का बैलेंस रहेगा, अलौकिकता और लौकिकता का बैलेंस रहेगा। आखिर शरीर तो छोड़ेंगे, आत्मा में संस्कार भरेंगे, वही आगे जाएंगे ना। तो इसलिए बीकेस दुनिया में ही रहते हैं, आत्मा को प्योर बनाते हैं। दुनिया के लोग शारीरिक साधनों को बढ़ाते हैं, आत्मा उनकी में विकार आ जाते हैं, ये बता रहा है। बाबा कहते हैं तुम मधुबन आते हो रिफ्रेश होने के हाँ, लिए, भारत जो है वो शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, और सतयुग में जब तुम शरीर छोड़ेंगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। बाबा कहते हैं वहाँ ये शब्द नहीं यूज़ करेंगे फलाना मर गया, पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे तो खुशी होगी, बाजा बजेगा। ये मर गया शब्द तो मृत्यु लोक में है ना, क्योंकि शरीर मानते हैं, तो जब शरीर छोड़ना पड़ता है तो समझते मर गया। यही तो ये भी कह देते हैं, आप मरे जग परलय, आप मर गई दुनिया, वो ऐसे समझते हैं, ऐसा है तो नहीं ना। तो बाबा कहते सतयुग में शरीर ही नहीं मानते हो तो अमर आत्मा मानते हैं, तो ये शब्द वहाँ नहीं यूज होता। वरदान है आज की मुरली में, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भाव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन। आज की दुनिया में दूसरे के विचार सुनते ही इम्पेशेंट लोग हैं,
हो सकता है वो एक अच्छी चीज़ कर रहा बता रहा हो, अभिमानी है, तो क्लैश कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है अलग अलग विचारों को मिलाकर, तो उससे और भी अच्छा हो जाता है, सबकी राय इकट्ठी हो जाती है, तो फिर तुम ऑटोमेटिक सम्मान के पात्र हो। अगर किसी के विचार को आप कट करेंगे या उसका निरादर हो जाएगा तो वो भी आपका सम्मान नहीं करेगा। ये थी बाबा की आज की मुरली, 24 नवंबर 2017। मीठे प्यारे बाबा ने आज ज्ञान की वे बातें जो सामान्य रूप से हम बच्चे सुनाते हैं उनकी गहराई और अधिक बताई। कितना सुंदर वर्णन बाबा ने उल्टे झाड़ का किया, कितना सुंदर वर्णन बाबा ने ड्रामा का किया, कितना सुंदर वर्णन बाबा ने सृष्टि को कैसे रेजुविनेट करते हैं उसका किया। ये सब बातें हमारे मनन और चिंतन करने योग्य है। ओम शांति।